तो स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक हाउस पे। जी सर फ्रेंड्स, यहाँ पर Vivo V20 इंडिया में लॉन्च हो चुका है और उसी के पहले Samsung की M सीरीज का काफ़ी बजट फ्रेंडली फोन, काफ़ी बड़ा यहाँ पर बैटरी बैकअप जिसमें हमें मिला वो है Samsung M51। जानेंगे समझेंगे क्या है दोनों ही फ़ोन के अंदर, क्योंकि स्पेसिफिकेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस और प्राइस सेगमेंट यहाँ पर काफ़ी सिमिलर सा है। तो यही देखेंगे हम कि किस फोन में आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाला कोई अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डिस्प्ले साइज की हम बात करें तो आप बड़ा फोन अगर चाहते हैं डिस्प्ले में तो 6.7 इंच का पंच होल के साइज के साथ आपको यहाँ पर Samsung M51 में मिल जाता है। 6.44 इंच वाटर ड्रॉप नोच के साथ आपको यहाँ पर Vivo V20 में देखने को मिल जाएगा। थोड़ी पुराने डिजाइन की तरफ चला गया है यहाँ पर फ्रंट में Vivo का फोन। तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोटेक्शन दोनों ही फोन के फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है और फुल ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो फुल व्यू डिस्प्ले में आप Samsung M51 की तरफ जा सकते हैं और वाटर ड्रॉप नोच आपको M51 में यहाँ पर Vivo के V20 में नजर आ जाएगा। वहीं डिस्प्ले टाइप की हम बात करें तो सुपर एमोलेड रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर 60 हर्ट्ज के साथ Samsung M51 में देखने को मिलता है और Vivo V20 में सुपर एमोलेड रेजोल्यूशन 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में दोनों ही फोन काफ़ी शानदार थे। साइज थोड़ा बड़ा Samsung आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरा यहाँ पर 64 का प्राइमरी लेंस है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है, 5-5 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर और मैक्रो शॉट Samsung के M सीरीज के सारे ही फोन्स में जो 20,000 की प्राइस है उससे ऊपर आते हैं उसमें देखने को मिला। रियर कैमरा Vivo V20 में 64 का कर दिया गया है, 8 का अल्ट्रा वाइड एंगल है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है। डिज़ाइन जो है Vivo V20 का यहाँ पर X50 और X50 Pro वाला जो एक्सपीरियंस है वो आपको V20 में ही देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल जानेंगे कि क्या क्वालिटी यहाँ पर फोटोज़ की भी निकल कर आने वाली है। फ्रंट सेल्फीज आपको 32 मेगापिक्सल की यहाँ पर M51 में देखने को मिलती है और यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वहीं दूसरी तरफ Vivo के V20 में आपको 44 का प्राइमरी लेंस यहाँ पर सेल्फी का फ्रंट में देखने को मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया सेल्फी की क्वालिटी Vivo के फोन में नजर आने वाली है। कैमरे में सबसे खास चीज दोनों फोन का दोनों ही तरफ का जो कैमरा एक साथ यहाँ पर चल सकता है। परफॉर्मेंस क्वालिटी की बात करें तो एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस्ड स्नैपड्रैगन 730G हमें Samsung M51 में देखने को मिला। वहीं एंड्रॉइड का 11 अपग्रेड के साथ स्नैपड्रैगन 720G Vivo के V20 में हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। मतलब एंड्रॉइड 11 अभी हमें Vivo के V20 में ही सबसे ज्यादा फोन पहला है जिसमें यहाँ पर नजर आया। अब आने वाले फोन सारे ही इसी में हमें बेस्ड एंड्रॉइड 11 पर देखने को मिलने वाले हैं। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें 8GB 128GB दोनों ही फोन के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज है। तो यहाँ ये चीज़ सारे ही फोन में आजकल हमें 8GB मिनिमम आपको रैम प्लस 128GB तो यहाँ पर स्टोरेज चाहिए चाहिए और अप टू इसको आप बढ़ा सकते हैं दोनों ही फोन की क्वालिटी को 512GB तक, मतलब दो नैनो सिम के साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड आप यहाँ पर फोन में यूज़ कर पाएंगे। चलिए आगे चलते और बात करते हैं फोन का बैटरी लाइफ के बारे में। 7000 mAh सबसे बड़ा जो बैटरी है जो आपको सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म बैटरी ड्यूरेशन देने वाला वो Samsung का M51 वाला फोन है और जिसमें 25 वाट का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर 4000 mAh की बैटरी प्लस 33 वाट का फास्ट चार्जर आपको Vivo के V20 में नजर आ जाएगा। मतलब Samsung का M सीरीज के अंदर का सबसे बढ़िया और यहाँ तक कि अभी तक ओवरऑल सबसे ज़्यादा mAh का बैटरी आपको सिर्फ Samsung में देखने को यहाँ पर मिल रहा है। वहीं चलते हैं कंक्लूजन पॉइंट की तरफ। यहाँ जो चीज़ है वो निकल कर आती है, एक चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ, वेट के मामले में Samsung थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है क्योंकि यहाँ पर आपको बैटरी है वो थोड़ी ज़्यादा हैवी मिलती है। इसकी आपको फुल डिटेल रिव्यू प्लस मैंने यहाँ पर चैनल पर अवेलेबल कराएं वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ प्राइस सेगमेंट आपको 8GB 128GB के लिए 26,999 की कीमत आपको Samsung M51 पे करना पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ Vivo के जो 20 निकल कर आया है सबसे ज़्यादा कम बजट में ये फ़ोन निकल कर आया है Vivo के V सीरीज के अंदर, जो कि V17 देख ले V19 देख ले हम, तो यहाँ पर ये पहला ही प्राइस का काफ़ी कम निकल कर आया है। 8GB 128GB वाला स्टोरेज आपको यहाँ पर 24,999 की कीमत में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड आपके मन में क्या चीज़ है, क्या कौन सा फोन आपके यहाँ पर बेटर लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाला कोई अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।